सांवरे को दिल में सांवरे को दिल में नारायण 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 श्री करतार जी मधोर नायक जी, श्री सुल्तान नायक जी, वर्जन जी महाराज, संतोष नत्थू पटेल जी, मनसीराम नंदराम जी, मेहताब रामा जी, मनसीराम आनंदराम जी, गन्नू सानिया जी, शंकर चौकीदार जी, हरी राम टुकड़िया जी, सजन मंदोर जी, शंकर सिंह धर्मा जी, नहार सिंह सीता जी, ज्ञान सिंह रामा जी, जम्मू काका जी, गोविंद बागचंद जी, मिश्रीलाल जी, बाबू तेजी सिंह जी, सभी लोग आए और श्रद्धे और हमारे बड़े पिताजी चेन सिंह जी नायक ग्राम गाड़ाघाट से आए, वो भी आए और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। शेरू भाई हमारे शेरू भाई बरले जी वो भी आए, हमारे हुकुम भाई पटाली से जो पधारे हैं वो भी आए, पंकज नायक जी ग्राम सतवाड़ा से पधारे हैं, लक्ष्मण जाधव जी, श्री रमेश भाई मोरे कमुदवाड़ा, श्री रसाल जी नायक खारवा, श्री भागीरथ जी पडाली और हमारे श्री रवि नायक जी बोड़ीघाट वो भी आए और श्रद्धेय श्री राजे चंदन जी महाराज जी का स्वागत करें, हमारे प्रहलाद दादा जामुनिया से जो पधारे हैं वो भी आए और स्वागत करें, स्वागत की बेला को यहीं समाप्त करते हुए
जो कोई भाई छूट गया है उनकी ओर से सभी माता बहनें और सभी बुजुर्ग बच्चों की ओर से ग्राम कोकरावार की ओर से हृदय से हम बाबा जी को स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। स्वागत करते हुए कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलते संत श्री सेवालाल महाराज की, शाम की आड़ी की, बोल अंबे मैया की। श्रद्धा कावड़ यात्रा के समस्त सदस्यों की ओर से यह भावपूर्ण स्वागत श्रद्धे श्री राधे चेतन जी महाराज के चरणों में बहुत बहुत तालियों से स्वागत करें। बोलने सेवालाल महाराज की, बोलने सेवालाल महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भजनंद कुमारं उलवन मालं नयन विशालं दुखहरं वृंदावन चंद्रं आनंद कंदनं परमानंदं No।
धरम कालिया शिरगमनम सुप्रपाणि नमनम आदित जमनम मधुरतरम वल्लभ दुख हरणम निर्मल चरणम अशरण शरणम मुक्ति करम वजनेन्द्र कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम तत्व विचारम ब्रह्म परम तत्व विचारम ब्रह्म परम कथा का यह चतुर्थ दिवस हरिनाम संकीर्तन बड़े भाव के साथ में हरे राम हरे राम राम राम
परमात्मा के चरणों में प्रणाम, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा प्रणाम। कल जो बीता हुआ, जो कल था, उसमें आप और हमने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान के प्रति एक भक्त का जो भाव होता है,
उस भाव को समझने की कोशिश की, उस भाव को आप और हमने कानों से सुना। जय श्री कृष्ण। एक भक्त का भाव होता है कि धीरे 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 वो परमात्मा को समझने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। और विदुरानी ने भगवान को प्रसाद के रूप में साग खिलाई हो, केले के छिलके खिलाए हो, उस भाव को हमने कथा के माध्यम से उसको सुना। जीवन में भी आप और हमको उन पहलुओं पर, उन गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए हमारे श्रीमद् भागवत कथा के प्रवाह को हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। समाज में, मानव समाज में श्रद्धा का होना अनिवार्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और श्रद्धा है भी, हम इसी क्रम को समझने का प्रयास करें। श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, उसको समझे हम। एक होती है श्रद्धा, एक होती अश्रद्धा और एक होती अंधश्रद्धा। यह प्रवाह है जिंदगी का, यह प्रवाह है आप और हमारे हृदय का। प्रिय बंधुओं, इस प्रवाह, इस त्रिवेणी में आज यह श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम उन पहेलियों को समझने की कोशिश करेंगे। ये त्रिवेणी है भीतर की श्रद्धा की। मैंने पहले दिन भी ये बात रखी थी कि मंदिर से ज्यादा श्रद्धा का होना अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। आवश्यकता में तो थोड़ा सा और इधर उधर हो जाए, पर अनिवार्यता में इधर उधर नहीं हो सकता। तो जिंदगी में क्या होना चाहिए और किस तरह से जीवन को जीना चाहिए, तो एक होती है श्रद्धा, एक अश्रद्धा और एक अंधश्रद्धा। जय श्री कृष्ण। माने तीन प्रकार के भाव की प्रवाह बहता है आप और हमारे हृदय में। कई लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, ये अश्रद्धावान लोग हैं, उनकी इच्छा नहीं मानते, उनको नहीं अच्छा लग रहा, नहीं मानते, वो उनका दिल की बात है। दूसरी बात है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा उसको कहते हैं जो मन से तैयार किया हुआ कर्म होता है और मन से तैयार कर दिया और कह दिया कि मेरे दिल ने कह दिया ये कर डालो और ऐसा परंपराएं चालू हो गई, उसको क्या कहते हैं? अंधश्रद्धा। जिस परंपराओं में शास्त्र नहीं हो, जिस परंपराओं में कोई महापुरुष की प्रेरणा नहीं हो, जिस परंपरा में परमात्मा के द्वारा कोई रास्ता नहीं बताया गया हो, ऐसी जो भी धारणाएं हैं वो अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा है। और एक होती है श्रद्धा,
और श्रद्धा के मूल में क्या होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धवा परम शांति। श्रद्धा क्या करती, ज्ञान को उपलब्ध कराती है, और ज्ञान उपलब्ध हो जाने से हमारे जीवन में शांति का प्रादुर्भाव होता है। अब तीन अनुयायी नर्मदा जी के किनारे गए, मैं आपको उस प्रवाह की ओर ले जाकर उसको स्पष्टीकरण करूं। नर्मदा जी के किनारे तीन अनुयायी गए, उनकी अलग अलग मंडली थी, और जाकर क्रम क्रम से स्नान करने लग गए थे। सबके गुरु ग्रुप में कम से कम 20-25 लोग थे। तो एक ग्रुप गया और बैठ गया, उनकी भावना नहीं रही होगी, अश्रद्धावान लोग थे, वो बैठे रहे, दिन भर बैठे रहे, क्योंकि उनकी भावना ही नहीं थी। बोले स्नान करने से क्या का पुण्य मिलता है, भी सब लोग बोलते हैं इनके इनके ये जाने इनको क्या है, कोई कुछ भी मन से चला लेता है, बैठे रहे दिन भर। दूसरा गुरु पाया जो अंध श्रद्धावान था, उन्होंने बोला कि जिसका जिसका वो देखे, अपन कपड़े सहित स्नान करो, अपने को मन में आया है कि पूरा पूरा स्नान करना चाहिए, कुछ मत उतारो, कपड़े सहित स्नान करो। बोले कोई विधि नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कुछ नहीं, मन में आया और वैसा ही वैसा कर देना, न शास्त्र में है, न किसी वेद में है, न किसी ग्रंथ में है। अंधश्रद्धा के अंतर्गत आ गए, भाव आया और डुबकी लगा दी, कपड़े सहित नहा लिया महाराज, कई प्रकार का नुकसान कर लिया उसको। ये होती अंधश्रद्धा, और एक होती श्रद्धा। उनका भी एक ग्रुप आया, और वो ग्रुप आकर नर्मदा जी के किनारे बैठकर पत्रम पुष्पम फलम तोयम के सूत्र को लेकर नर्मदा जी के किनारे बैठकर पूजन किया, पाठ किया, मां नर्मदा जी को प्रणाम किया, और उसके बाद में फिर स्नान किए वो लोग श्रद्धा के साथ में। और जब ये तीनों कर्म चला, और इस क्रम घटना को यदि नर्मदा जी से पूछा जाए कि मां नर्मदा आप किससे खुश है, तो मां नर्मदा जी क्या कहेगी, क्या कहेगी, जो दिन भर से बैठे स्नान नहीं किया उससे खुश रहेगी क्या, और जिसने सब कपड़े सही थे स्नान कर ले उससे खुश रहेगी क्या, खुश किससे रहेगी हा? जिसने शास्त्रों के अनुसार, जिसने श्रद्धा भाव से प्रणाम किया और विधि विधान के साथ में स्नान किया है महाराज, उसी से मां नर्मदा खुश होगी और पूरा फल देगी। तो जीवन में यह होना चाहिए, जीवन में अंधश्रद्धा भी खतरनाक है और अश्रद्धा भी खतरनाक है। जीवन में यदि कुछ क्रांति लाएगी और जीवन में यदि कोई प्रकाश लाएगी तो वो है शुद्ध सात्विक श्रद्धा। तो प्रिय बंधु, भगवान ने इतना अच्छा बनाया है आप और हमको। अभी हमारे कमरे में हम हंस रहे थे, हमारा विषय निकल गया। भगवान ने इतना अच्छा सुंदर शरीर बनाया है, और संयोग वश यदि वो फोल्डिंग सिस्टम लगा देता तो कान निकाल कर कभी भी रख सकते हो, हाथ निकाल कर कहीं रख दे, ऐसा बना देता तो जय श्री कृष्ण, ऐसा कभी बनाता तो मालूम है हम भगवान को, मैं ऐसा बनूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। ऐसा बनाते तो स्नान करने कोई जावे तो यार अभी कान निकाल कर रख दो, स्नान करना है, कान निकाल कर रख देवे, नाक निकाल के रख देवे, और स्नान करने के बाद में कभी वो वहां भूल कर ना घर चला जाए तो वो निकाल कर वहीं रख देवे, और कहीं भूल कर चला जाए तो कैसी आफत हो जाए महाराज, सही बात है ना। फिर वहां जाकर अरे कान तो मेरा वहीं रहेगा, अरे नाक तो मेरी वहीं रहेगी नर्मदा किनारे, होता है कि नहीं मामला गड़बड़। तो महाराज भगवान ने सोचा कि ये सिस्टम ठीक नहीं इनके लिए, पता नहीं नाक कहीं भिगन गांव में छोड़कर आएगा, कान कहीं नर्मदा किनारे छोड़कर आ जावे, महाराज फजीता हो जाएगी। और फिर बाद में बोला कि दिन भर कोई बोले बोले सुने ही नहीं दे रहा, कान तो वो दूसरी जगह छोड़कर आ गया।
तो मामला बहुत सिस्टम भगवान ने जो बनाया है ना बहुत सटीक बनाया है, उसको मालूम है पता नहीं क्या क्या निकाल कर रख देगा, बाद में ढूंढते फिरेगा और फिर कहेगा भगवान तूने ऐसा दिया है सब सिस्टम निकाल कर रखने का, सब आधा भूल कर आ गया मैं। जय श्री कृष्ण। तो प्रिय बंधुओं, जीवन में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अरे साधारण सी बात है, बस में बैठना पड़ता है आप और हमको किराया टिकट देकर, और उसमें उसको दारू पिए रहता है, कैसा ड्राइवर रहता है, फिर भी गाड़ी में बैठ जाते कि नहीं? किसके कारण? विश्वास रहता तो बैठते ना, नहीं तो क्या बैठेंगे? अपन बैठ जाते, टिकट दे देते, टिकट ले लेते, पैसे दे देते, उसको बैठ जाते। अब वो क्या पी रखा है कि क्या कर रखा है, कोई गारंटी में नहीं है, फिर भी हम बैठ जाते हैं कि नहीं? जाना है तो महाराज इसी तरह मैं भी कहना ये चाहता हूं कि धर्म की जो गाड़ी आई है ये आपके गांव में, ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी ये बस आई आपके गांव में, इसमें भी श्रद्धा के साथ में बैठ जाना, आप भी आपकी मंजिल पर पहुंच जाओगे। अरे जिसका कोई नहाया नहीं क्या क्या किया उसकी गाड़ी में बैठ जाओगे, बैठ जाते हो? अरे सदगुरु की गाड़ी में बैठो महाराज, वो आपको यहां से जहां जाओगे वहां भी पहुंचा देगा, और भगवान के पास जाओगे वहां भी सिफारिश कर देगा कि मेरा शिष्य है ये, वहां भी बचा लेगा वो। जय श्री कृष्ण। तो इसके लिए मेरा कहने का भाव है कि श्रद्धा जिंदी रहना चाहिए, और सात्विक श्रद्धा, शास्त्रोक्त श्रद्धा, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रही तो काम चल जाएगा। आर्थिक स्थिति यदि मजबूत नहीं रही तो काम चल जाएगा, परंतु आप और हमारी मनस्थिति सात्विक होना बहुत जरूरी है। अर्थ से शांति मिले कोई गारंटी में नहीं, पर मन की अच्छी स्थिति से शांति मिलेगी ये 100% गारंटी की बात है। तो इसलिए प्रिय बंधुओं, कल आप हमने भाव के उस प्रवाह को समझने की कोशिश की, और उस विदुर प्रसंग में देखा किस तरह भगवान छिलके खाते हैं, किस तरह से भाव को, सात्विक श्रद्धा को स्वीकार कर रहे हैं भगवान, श्रद्धा को स्वीकार कर रहे। उसके बाद में प्रसंग चलता है कि छोटे से बालक ने किस तरह से भगवान को प्राप्त किया, किस तरह से। तो उस मधुर मंगल में ध्रुव चरित्र की ओर आप और हम प्रस्थान करें। जय श्री कृष्ण। और ध्रुव चरित्र में इस तरह से है, मनु और शत्रुपा से सृष्टि का निर्माण हुआ, उनके दो बालक हुए, तीन पुत्री हुई, पीर्यव्रत और उत्तानपाद। ये दो बालक, उत्तानपाद के दो पत्नी सुरुचि और सुनीति। आप और हमारी जो बुद्धि है, आप और हमारे भीतर भी सुनीति और सुरुचि, कुमति और सुमति दोनों रहती है, पर जिस चीज पर हम ज्यादा काम करते, जिस चीज पर हम ज्यादा फोकस करते, वो चीज काम करने लग जाती है। आपने देखा होगा मिलिट्री में जब ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में दया नहीं होती महाराज, उसको इतना मनस्थिति इतनी पावरफुल बनाई जाती है, उसमें उसके हृदय से दया निकालकर बाहर रख दी जाती है। उसको ट्रेनिंग होती, इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होती है महाराज। यदि उसके अंदर दया रहे और बॉर्डर पर यदि सामने वाला हमला करे, ये भी हमला करके तो मर जाएगा, तो ये तो युद्ध नहीं लड़ सकते, देश की रक्षा नहीं हो सकती।
उसके मन को बार 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 इस तरह से तैयार किया जाता है कि जो हमारे देश की जो बॉर्डर पर जो आक्रमण करेगा, चाहे कोई भी हो, वो हमारा दुश्मन है। और दुश्मन का मतलब होता है वो यदि हमारे पर आक्रमण करता है तो हमको भी आक्रमण करना ही है। उसकी मानसिकता को बार 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 तैयार किया गया, बार बार उसको उस चीज को रिपीट करते 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 उसका मूल हो गया। अभ्यास करते 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 हमको आदत हो जाती है। जय श्री कृष्ण। बीड़ी पीते पीते कभी कोई बीड़ी छोड़ने का बोल देवे तो बीड़ी छोड़ना बहुत मुश्किल। बोले महाराज बीड़ी कैसे छोड़े, पेट फूल जाता है। महाराज इसको छोड़ नहीं सकते, इससे सिर दर्द करता है। महाराज बहुत भूख लगती, उसके बगैर तो रह नहीं सकता। तो ये क्या हुआ, ये आपको अभ्यास करते करते इसकी आदत लग गई। बार बार उस चीज को रिपीट की, रिपीट करते 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 वो आदत में आ गई। आदत में आ गई तो आप शरीर उसके अनुसार चलने लग गया, उसका गुलाम हो गया। मने आपने जिस पर अभ्यास किया, जिस स्थिति में आप तैयार होते हो, वो आपका धीरे धीरे स्वभाव बनने लग जाता है। इसलिए धीरे 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 भगवान का भजन, धीरे धीरे भगवान को मानने की जो मनस्थिति तैयार होती रहेगी, तो जिस तरह मिलिट्री में जाता है व्यक्ति, उसके अंदर से दया निकल जाती है और उसमें एक देशभक्ति की जो जुनून है वो काम करने लग जाता है। पहलवान के अंदर पहलवान का जो प्रोसेस है वो काम करने लग जाता है। एक कलेक्टर जब पढ़ाई कर तैयारी की जाती है, उसके अंदर कलेक्टर का जो स्थापना होनी चाहिए वो हो जाती है। उसी तरह धीरे 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 एक दिन हम भी प्रयास करते करते, भगवान को मानते मानते, भगवान की पूजा पाठ करते करते हमारा मन भी तैयार हो जाएगा। आज मन नहीं लगता, कल मन आपको कहेगा और चलो मंदिर में। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। अभ्यास से जड़ मति होती वो भी हो जाता है। मनुष्य के अंदर बहुत अपार ऊर्जाएं भरी पड़ी है। मनुष्य जिस क्षेत्र में कार्य करने लग जाता है वो काम हो जाता है। और वो यदि मनुष्य राजी नहीं हुआ तो महाराज पूरी दुनिया मिलकर भी उससे वो काम नहीं करवा सकता। जय श्री कृष्ण। एक आदमी गांव का हो और वो कहे कि मुझे बीड़ी नहीं छोड़नी है, तो आप पूरा गांव मिलकर उससे नहीं छुड़वा सकते, ठीक है भाई। परंतु यदि वो राजी है कि मुझे छोड़ना है, तो फिर पूरे गांव को पूछना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। पूछना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। वो खुद राजी हो गया तो पूरी दुनिया बदल गई ना उसके लिए। उसी तरह हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम अपने आप को बदल दिए, हमारी मनस्थिति को हम धीरे धीरे भगवान में लगा देंगे। हम सुमति पर धीरे धीरे काम करेंगे, कुमति को धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे, तो महाराज हमारे जीवन में स्वतः हमारे भीतर से सुख की उत्पत्ति होती चली जाएगी। और सुख क्या करता है, शांति देने का काम करता है। वो भीतर से आना चाहिए। जय श्री कृष्ण। और दो पत्नी है उत्तानपाद की, और उसका एक लड़का सुरुचि से हुआ, एक लड़का उत्तम, वो बाप की गोद में बैठा है। बाप बिठा रखा है अपने बालक को। उधर से ध्रुव जी आते हैं और कहते हैं कि मुझे भी गोद में बैठना है। तो सुरुचि कहती है इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा, मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर तुझे ये सिंहासन मिलेगा, ये पद मिलेगा, ये बाप की गोद मिलेगी, बगैर इसका नहीं। बोले ऐसा, हाँ बोले ऐसा ही। जय श्री कृष्ण। फिर महाराज वो मां के पास गया, सुनीति के पास।
और सुनीती उसकी माँ को कहता है ध्रुव कि माँ, मेरा माँ जो सुरुचि है वो मना करती है गोद में मत बैठना। तो माँ कहती है कि बेटा तू तपस्या कर, इससे भी बड़ा पद तुझे मिलेगा, भगवान का भजन कर। सुनीति समाधान निकालेगी और कुमति आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी। कुमति आप और हमको दुख देने का काम करेगी, वो उलझा देगी, और सुमति आप और हमको सही रास्ता बताएगी। जय श्री कृष्ण। यदि वो उसके अंदर विवेक नहीं रहता सुनीति के अंदर, तो कहती बेटा तू चिंता मत कर, मैं जाकर झगड़ा करती हूं तेरे लिए। कहती कि नहीं, पर झगड़ा नहीं किया। तीसरा रास्ता निकालती है कि बेटा चिंता मत कर। जय श्री कृष्ण। तपस्या कर, इससे भी बड़ा पद तुझे मिलेगा। पद प्रतिष्ठा छीनी नहीं जाती, पद प्रतिष्ठा मिली जाती है, छीना नहीं जाता। जो छीना हुआ वो क्या काम का, जो मिले वो काम की बात। इसलिए आप और हमारे जीवन में दो चीज आती है तो क्या कहते हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे रे, कोई कारण होगा। कारण होगा, कुछ कारण होगा।
झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। दोनों झोली आप और हमारे भीतर नहीं है। जिस तरह से हम अच्छे विचारों की ओर जाएंगे तो फूलों की ओर जाएंगे, हम गलत जगह जाएंगे, गलत विचारों में जाएंगे तो कांटों की ओर जाएंगे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक ही जगह से पानी जा रहा है, एक को कांटे को भी पानी मिल रहा है और फूल को भी पानी मिल रहा है। आप और हम भोजन कर रहे हैं, सबको भोजन से सब कुछ मिल रहा है, पर जो हमारे अच्छे विचार है, अच्छे विचारों से व्यक्ति महान होता है, अच्छे विचारों से जीवन में शांति आती है और वही शांति समाधान करती है। तो इसलिए मेरा कहने का भाव यह है कि हम सुमति की ओर जाए। और सुमति ने कहा कि तपस्या करो, भगवान का भजन करो, वहां से रास्ता निकलेगा, रास्ता वहां से निकलेगा। सुरुचि तो आपको और हमको अटका देगी। सुरुचि का मतलब होता है कि मन में जैसा आए वैसा करने लग जाना। मन में भजिया खाने का आया, होटल पर गए, खाने लग गए, वो कैसा है क्या है वो हरी इच्छा, धूल है या नहीं है, कोई खाना है, खाना है बस। जय श्री कृष्ण। तो कहने का मेरा ये भाव रहा कि कोई सी भी चीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है एक संत एक गांव के पास में बैठे थे, वहां से एक लोग एक आदमी आया और पूछता है कि महाराज जी गांव में कैसे लोग हैं। तो संत ने कहा तुम कौन से गांव से आ रहे हो? बोले मैं उधर दूसरे गांव से आ रहा। बोले वहां कैसे लोग हैं? बोले बहुत खराब लोग हैं, बहुत खराब लोग हैं, जब देखो जब परेशान करते रहे, इतने खराब लोग हैं जिसका हिसाब नहीं। उस संत ने कहा ठीक है, तो ये जो गांव में तुम जाने वाले ना, यहाँ भी खराब लोग हैं। बोले यहाँ जो जा रहे वहां भी खराब लोग। वो चला गया, दूसरा आया और दूसरा आकर भी कहता है महाराज जी इस गांव में लोग कैसे है? तो बोले कौन से गांव आ रहा है? बोले मैं दूसरे गांव से आ रहा, वहां कैसे लोग है? बोले बहुत सज्जन लोग है। क्या कहा उस आदमी ने? बोले महाराज जी जिस गांव से मैं आ रहा बहुत सज्जन लोग हैं। बोले अच्छा, तो ये गांव में भी सब पूरा गांव सज्जन ही है, यहाँ चिंता करने की जरूरत है। लोगों के कारण अच्छा और बुरा नहीं है, जैसा व्यक्ति होता है वैसी ही उसकी सृष्टि होती है। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम समझते हैं, वैसा ही हमारे लिए है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। परंतु ये मनुष्य अपनी दुनिया का मालिक मनुष्य खुद है। एक दुनिया भगवान ने बनाई और एक दुनिया आप और हमने बनाई है, अपने हिसाब से जीवन जीते के लिए। इसलिए दुनिया में कोई खराब नहीं है। जय श्री कृष्ण। दुनिया में कोई खराब नहीं है, खराब है तो हमारी जो सोच है वो खराब है। कोई खराब नहीं है, यदि कोई गलत करता है उसको बोल दो सुधार कर ले। जय श्री कृष्ण। मनुष्य को नदी जैसा जीवन होना चाहिए। मनुष्य का कैसा जीवन होना चाहिए? जय श्री कृष्ण। कैसा जीवन होना चाहिए? नदी जैसा। जो मनुष्य नदी जैसा जीवन कर लेगा महाराज, उसको दुनिया वाले कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। नदी का काम क्या है? नदी का काम है चोर आ जाए
डाकू आ जाए, सज्जन आ जाए, कोई भी आ जाए, उसका काम है उसको पानी पिलाना और उसको शांति देना। नदी का काम क्या है? प्यास बुझाना है। आप नदी मां नर्मदा के पास गए और आपने कभी कोई दारू पीने भी आला आ जाता है तो वो क्या उसको पूछती, तू दारू पीता है? पानी नहीं पीना कभी कहा है क्या? जय श्री कृष्ण, कभी कहा? चोर पानी पीने आ, चोर को बोलेगा तू चोर है पानी नहीं पीना, ऐसा कहा है? सज्जन आदमी पानी पीने वाला आया, पूछती है क्या वो नदी? नदी नहीं पूछती कि तू क्या करके आता, तू क्या करता है। उसका काम एक ही है कि जो भी आया है वो प्यासा न जाए, मेरे जल से पीकर तू तृप्त हो जा, मेरा काम है तुझे तृप्ति देना। जीवन नदी जैसा बनाओ, बहते रहो बहते रहो। वो तो ऐसा है, वो वैसा, इस बीमारी से बाहर आओ। आप ये दुनिया वालों के मालिक नहीं हो, इसका मालिक भगवान है। उस संविधान को उसको काम करने दो, अच्छे और बुरे का फल का रिजल्ट भगवान देगा उनको। अपना काम है, कोई आदमी अपने पास आए वो क्या करता है, आदमी मानसिकता पहले से बना लेता है, उसकी बात कभी गलत सुन ले पहले से थर्मामीटर में फिट रखता है, वो तो गलत आदमी यहाँ फिट कर लेता है। अब वो सामने से जब भी आता तो उसके मान में मानस में पहले खराब करके रखता, ये कल जो उसके घर गया था ये वहां चोरी करके आए, तो मतलब अपन ने अपना मस्तिष्क को पहले से खराब करके रखा। जय श्री कृष्ण, ऐसा करना चाहिए क्या? जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, मैं कहीं गया और अचानक मैं प्रभात फेरी के लिए गया, यहाँ की बात नहीं कि दूसरी जगह की बात है, प्रभात फेरी के लिए गया और एक भाई रास्ते में हम प्रभात फेरी के लिए गए गांव में और वो दारू पी रखा महाराज, वो पूजन पाठ के लिए भी आया, किया भी उसने, यहाँ की बात नहीं है, अलग जगह की बात चल रही, आया महाराज। तो जैसे ही आया पूजन पाठ भी किया, अब हमको तो वो पता ही चल जाता है क्योंकि बहुत दूर से पता चल जाता है क्योंकि वो मामला जैसा है। और वो आया करीब महाराज, हमको पता चल गया, पता चलते से हमारे मन ने हमको इशारा किया कि इधर ऐसा मामला है, मैं कह ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमने विवेक से उसको काम लिया महाराज और हमारे मन की स्थिति को बदला कि जब भगवान इसको झेल रहा है तो अपने को क्या करना है, अपने को मोर जैसे नाचना है। तू तेरा काम कर, तू तेरी किताब पढ़, मैं मेरी किताब पढ़ू, तू तेरी इबादत कर, तुझे जैसा जीना है मुझे मेरी इबादत करने दे। और उसके बाद में जो मैं पहले कीर्तन कर रहा था उसके बाद में जब वो मिला, वो भाई साथ में आया, वो ऐसा पीकर आया, उसके बाद में फिर थोड़ी दूर और चले, उसके बाद में फिर मेरा मन और मोर जैसे नाचने लग गया। हकीकत बोल रहा हूं व्यासपीठ से, मेरा मन और ज्यादा खुश हो गया कि वो उसके काम में मस्त है, मैं भी मेरे काम में एकदम मस्त हो जाऊं। कि फुर्सत ही नहीं रहे कि मैं अपने किसी के बारे में सोचूं, अपने आप में इतना खो जाऊं कि दूसरों के लिए समय ही न बचे। तो जीवन ऐसा बनाओ, श्रीमद् भागवत कथा में आप और हम यही सीख कर जाए, कौन क्या कर रहा है, कोई सलाह मांगे, कोई कुछ बोले तो उसको सुझाव दे देना कि इसमें सुधार कर ले, पर वो आदमी ऐसा, वो आदमी ऐसा, वो आदमी ऐसा, इससे आपका मन मलिन होगा और जिसका मलिन मन होगा महाराज वो सही निर्णय नहीं ले सकता। सही बात है नहीं? जय श्री कृष्ण। तो जीवन कैसा होना चाहिए? जय श्री कृष्ण। इसका मतलब अपन ने क्या दारू पीने वाले को क्या लाइसेंस दे दिया? पीते रहे भाई, महाराज जी तो मस्त हो जाते, तुम पीकर आते महाराज जी ज्यादा आनंद आता। मैं उनको प्रोत्साहन नहीं कर रहा हूं, मैं इस विषय में जा रहा हूं कि हम बचे तो हमारा जीवन बच जाए। उनके लिए भी सूचना है कि भगवान ने जीवन दिया है महाराज, तो किसी को हंसकर
किसी को करुणा दया कर कर किसी के चेहरे पर हंसी ला, ऐसे जीवन से तू भी बाहर आ और घर परिवार वालों को भी आनंद में जीने के लिए कुछ दे महाराज, ऐसी जिंदगी से बाहर आ ताकि चार लोग तेरे साथ वाले खुश रहे। सही बात है, एक व्यक्ति वो पीवे 10 लोग घर के परेशान रहे, वो क्या जिंदगी है? जय श्री कृष्ण। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। तो जीवन कैसा बनाना है आप और हमको? क्या भाई, जीवन कैसा बनाना है? कोई बोलते ही नहीं, सब परमहंस हो गए यार। जय सिया राम। परमहंस आदमी कुछ बोलता चालता नहीं, वो मस्त रहता उसकी उसकी फकीरी में, किसी से कोई लेना, आप भी सब परमहंस हो जाते हो, मगन है। जय श्री कृष्ण। कुछ बोलना? तो जीवन को नदी जैसा बनाना है, बहते रहना बहते रहना, किसी में अटकना नहीं। माँ नर्मदा कहां से बही थी? अमरकंटक से सागर में पहुंच गई। उन लोगों के कारण अटक जाती थी, यात्रा नहीं होती, सागर में नहीं पहुंच पाती। तो उसी तरह से हमको बहते रहना चाहिए कि वो तो ऐसा हो वैसा, उसमें यात्रा अपनी खंडित हो जाएगी, अपन जो इसको पाना चाहते हैं उससे भटक जाएंगे। भटकना नहीं है, सही जगह पर पहुंचना है। तो मां ने सुनीति ने कहा कि जा बेटा तपस्या कर, और तपस्या के लिए जब जाते हैं ध्रुव जी तो रास्ते में नारद जी मिलते हैं, और नारद जी मिलने के बाद में कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रहा है छोटा सा बालक ध्रुव? बोले तपस्या के लिए जाना है। ये अथार्थी भक्त है ध्रुव, पद प्रतिष्ठा के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। चार प्रकार के भक्त होते हैं, और नारद जी कहते कि बेटा रहने दे मत जा, वहां शेर रहते, वहां कहां शेर खा जाएगा तेरे को? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना है। तो नारद जी ने उनको मंत्र देकर कहा कि ठीक है जाओ, और मंत्र देकर जब गए नारद जी, और उसके बाद में ध्रुव जी तपस्या में लगते हैं, और तपस्या करते 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 भगवान को उपलब्ध हुए, भगवान को प्राप्त किया। और कहते हैं कि जब भगवान को उपलब्ध हो जाने के बाद, भगवान की प्राप्ति करने के बाद में जब बोले, एक समय घटना आई कि जब मौत लेने आई तो ध्रुव जी ने मौत के ऊपर पैर रखकर ध्रुव लोक को की ओर गए। वो मौत आई लेने तो मौत के ऊपर पैर रखकर फिर ध्रुव लोक को गए। तपस्या में पावर है कि मौत भी आ जाए तो महाराज आप और हमको दुखी न कर सके, उसके ऊपर पैर रखकर जाने की क्षमता है, भगवान की भक्ति में है। मौत को भी पराजय कर दिया, और उसके बाद में आज आप और हमको भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन भी मनाना है, उत्सव मनाना है। भगवान तो अवतार लेते हैं, पर इस लीला के क्रम को इस तरह से हम लेंगे। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के पूर्व ही आपको बधाई दे देता हूं। भगवान श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो आप सभी को पूर्व में ही, ताकि मन तैयार रहे। जय श्री कृष्ण। और कहते हैं कि राक्षस लोगों की उत्पत्ति किससे हुई,
राक्षस लोग किससे बने? ये राक्षस जो है ना श्राप के कारण बने। उसी प्रसंग की ओर हम प्रस्थान करें। उस प्रसंग में है एक बार जय विजय भगवान की नगरी में पहरेदार कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वहां आए और कहते हमको भगवान के दर्शन करना है। तो जय विजय ने रोक दिया कि अभी समय नहीं है, आराम का समय है, मत जाओ। ऐसा कहने के बाद में माने नहीं और वो जिद करने लग गए। तो जय विजय रोकने लग गए तो उन्होंने श्राप दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। श्राप के कारण राक्षसों की उत्पत्ति हुई है और एक जन्म में फिर वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मारा है, उसका बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए गया। और इधर कयादु के तीन पुत्र हुए। इंद्र ने सोचा कि हो सकता है हमारा स्वर्ग हमसे छीन ले, तपस्या करने गया है हिरण्यकश्यपु, इसलिए उसके तीनों बालक को मार दिया गया कयादु के। चौथा बालक प्रहलाद के रूप में कोक में है, उसको भी मारने के लिए जा रहे थे। नारद जी ने मना कर दिया कि भगवान का भक्त है, इसे न मारा जाए। जय श्री कृष्ण। और उधर ब्रह्मा जी से वरदान लिया और वरदान ऐसा अमर होने का आपको वो कथा मालूम है। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, मतलब जिस जिस से मौत हो जाए बुद्धि के अनुसार वो सभी प्रोसीजर उनसे ब्रह्मा जी से मांग कर लिया। फिर मांग करने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, आशीर्वाद लेकर आया और पता चला कि घर में एक भक्त का, एक बालक का जन्म हुआ है, उसका नाम था प्रहलाद। कहते हैं कि जब उसको स्कूल में भेजा गया तो भगवान का नाम ही ले नारायण नारायण। जहां भी उसको भेजा जाए वो एक ही काम, स्कूल में जाओ बच्चे उसके संग करने लगे वो भी उसका नाम लेवे भगवान का नाम। इधर हिरण्यकश्यपु को तकलीफ होने लग गई कि मेरे दुश्मन का नाम लेता है जिसके बदले में इतनी तपस्या करके आया कि मेरे भाई का मैं बदला ले सकूं हिरण्याक्ष का, और ये दुश्मन का नाम ले। जय श्री कृष्ण। महाराज बहुत प्रकार का कष्ट दिया गया, कुएं में फिकवाया गया, तेल की कढ़ाई में डाला गया, सब कुछ किया पर प्रहलाद को मार न सका। जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। जिसको भगवान रखने वाला है, जिसका रक्षक भगवान है, उसको कोई नहीं मार सकता। तो क्या भगवान स्वयं रक्षा करने के लिए आते हैं क्या? जय श्री कृष्ण। महाराज जी आप कहते भगवान रक्षा करने आते, तो क्या भगवान स्वयं रक्षा करने आते? जय श्री कृष्ण। आज तक तो हमने किसी ने देखा नहीं भगवान कैसे रहते, सही बात है ना? जय श्री कृष्ण। तो भगवान कैसे आते मालूम है? एक समय बाढ़ आई नदी के पास में, गांव में से पानी बहकर जा रहा था, तो एक भगवान का भक्त था और भगवान का भक्त नाव में पानी में फंस गया, तो नाव वाले ने आवाज दी भाई आ जा मेरी नाव में बैठ जा, तुझे मैं उस पार कर दूं तो डूब जाएगा, नहीं तो गांव डूब रहा है। बोले नहीं नहीं जाना, भगवान आएगा तो मैं नहीं जाने वाला। भजन करने लग गया,
पानी ज्यादा ज्यादा बढ़ने लग गया। बोले हेलीकॉप्टर की सुविधा की गई, हेलीकॉप्टर आगे बैठ जा, बोले उस पार उतार देते हैं। बोले नहीं, आखिरी में वो आदमी डूब गया, मर गया और फिर भगवान के पास गया और भगवान को उलाहना देता है। भगवान, आप कहते हो कि भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, मैं डूब के मर गया आप तो आए ही नहीं, मैं डूब के मर गया आपके भरोसे कि भगवान आएंगे भगवान आएंगे आएंगे, मैं डूब के मर गया पानी में उस बाढ़ में, आप तो आए ही नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वो डूब के मर गया, भगवान को शिकायत करने लग गया। भगवान ने कहा, अरे तेरे को नाव में जो बैठने के लिए बुला रहा था वो कौन था? वो बोले मैं ही था कि तुझे बुलाया, आजा नाव में बैठ जा, तुझे मैं पार कर दूं। तू मेरी बात ही नहीं सुना, हेलीकॉप्टर भेजा फिर मैंने, चल भाई एक बार चुक गया, अब एक बार और मौका दिया जाए। हेलीकॉप्टर भेजा फिर भी उसमें भी मना कर दिया, तो बोले मैं उसमें भी नहीं बैठता। बोले भगवान आए तब, अरे मैंने बहुत प्रयत्न कर लिए जिसके बाद में भी तू नहीं आया, तो फिर अब तेरी नैया, तू संभाल, तू डूब के मर गया, सो मैं क्या करूं। तो भगवान को इस तरह से समझना, हम परिस्थिति खराब हो और हमको कोई मदद करे जो हमारे पर दया करे और हमारी मदद करने के लिए आए, तो समझ जाना कि भगवान का फरिश्ता है ये चीज इस तरह से समझी जाए उसको। एक महाराज जी कहते थे, बोले अभी तक तो भगवान आए नहीं, कि कब से मैं बुला रहा हूं, एक दिन भी भगवान दिखे ही नहीं। जय श्री कृष्ण। और कहते हैं कि प्रहलाद को पूछा गया किस किस में है भगवान, बोले इस खंभे में भी है, बोले हाँ इस खंभे में भी है। जय श्री कृष्ण। और कहते खंभे को हिरण्यकश्यपु ने मारने के लिए दौड़ा, उसे ही उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। और प्रकट होते ही उसको अपनी जंगा पर रखकर, नरसिंह भगवान कैसे सिंह हैं और आधे मनुष्य, ऐसा रूप बनाया कि जो जो मांगा है उसके विपरीत काम किया, ताकि वो जो आशीर्वाद है वो निष्फल न जाए, जो वरदान दिया है ना वो निष्फल न जाए। तो भगवान है, वो तो दुनिया बनाया, तो कहीं कहीं रास्ता निकाल ही लेता है। जय श्री कृष्ण। और जंगा पर रखकर, डेली पर बैठकर, न घर के अंदर न घर के बाहर, इसी डेली पर बैठकर और नाखून से उनके पेट को चीर देते हैं और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इस तरह से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हुए उस राक्षस को मारते हैं। और उसके बाद में प्रहलाद रोते हैं कि भगवान मेरे बाप की मौत हो गई, वो मर गए, तो दुख हो रहा था। उन्होंने कहा कि जिस घर में भक्त होता है उसकी सात पीढ़ी तरती है, तू चिंता मत कर, तेरे बाप की मुक्ति हुई है। देखो महाराज, एक घर में यदि कोई भक्त होता है तो सात पीढ़ी तार देता है, सात पीढ़ी तार। अब राक्षस हुए, कोई भी हुए, वो भी उसके कारण तर रहे हैं, तो कितनी पावरफुल बात है ना। जय श्री कृष्ण। इसलिए आप और हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अपने को भी भक्त का बीज उगाना पड़ेगा आप और हमारे रहते में। क्या करना पड़ेगा, भक्त का बीज रोपना पड़ेगा, धीरे 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 भक्ति करनी पड़ेगी। जब प्रहलाद कर सकते, ध्रुव कर सकते हैं तपस्या, तो आप और हम नहीं कर सकते क्या? जय श्री कृष्ण। कलेक्टर, आईपीएस, जितने भी अधिकारी है, वकील, डॉक्टर, आप और हमारे में से ही बनते हैं ना, बनते हैं कि नहीं? पर आप और हम क्यों नहीं बने? जय श्री कृष्ण। क्यों नहीं बने?
क्यों हमने पुरुषार्थ नहीं किया आप और हमने मेहनत नहीं की इसलिए हम नहीं बन पाए, उन्होंने मेहनत की वो बन गए। उसी तरह हम भक्ति करेंगे तो हम भक्त बनेंगे और भक्त बनेंगे तो भगवान को उपलब्ध होंगे। हम तो तरेंगे ही तरेंगे, आने वाली जो अपनी बीत गई सात पीढ़ी उसको भी तार के जाएंगे। सबके अंदर वो बीज है पर हम काम नहीं करेंगे तो पड़ा है बीज। जय श्री कृष्ण। दूध में घी है ये बात पक्की है पर दिखता नहीं। जय श्री कृष्ण। दूध में घी है पर दिखता नहीं। उसी तरह संसार में परमात्मा है पर दिखता नहीं। दिखता नहीं उसके लिए सब प्रोसीजर करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलेंगे सभी भक्त लोग। जय श्री कृष्ण। दूध में घी है पर दिखता नहीं, संसार में परमात्मा है पर दिखता नहीं। जिस तरह से दूध को फिर खटाई डालकर दही बनाना पड़ेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा, फिर माखन बनाना पड़ेगा, फिर तपाना पड़ेगा, तब जाकर घी मिलेगा हाथ में। उसी तरह संसार में आप और हमको भी ज्ञान भक्ति और वैराग्य रूपी ये प्रोसीजर करनी पड़ेगी, तब जाकर भगवान समझ में आएगा, भगवान मिलेगा। हे ये बात पक्की है। उसके बाद में आर्त भक्त गजेंद्र एक हाथी एक तालाब में पानी पीने गया और ग्रहा ने उसका पैर पकड़ लिया। भगवान को भाव कुभाव किसी भी तरह से भजना है पुकारना है, पर भगवान को पुकारने से फायदा क्या होता है? भगवान के नाम लेने से फायदा क्या होता है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या होता है किसी को मालूम है क्या? क्या होता है? क्या होता है भाई? इधर साधक भी बैठे हैं, बगैर साधक भी बैठे हैं, कोई बताओ क्या होता है भगवान के नाम लेने से? कुछ नहीं होता। क्या होता है? भव सागर पार होते हैं हम तो तरते तरते सात पीढ़ी को तारने की ताकत है भगवान के नाम में महाराज। भगवान का नाम तो पत्थर को भी तार दिया था समुद्र के समय, तो आप और हम क्या पत्थर से कमजोर है क्या? जय श्री कृष्ण। पत्थर से कमजोर कौन कौन है? कोई है क्या इधर? जय श्री कृष्ण। इज्जत की बात आई तो बड़े बोलने लग जाते ना कि हम पत्थर से कम। अरे साधारण पत्थर में जिसमें कुछ नहीं होता ऐसा पड़ा रहता, जिस पर राम लिखकर पत्थर तर गया महाराज, तो क्या हम संसार सागर से भगवान का नाम लेकर नहीं तरेंगे क्या? तरेंगे 100% तरेंगे महाराज। और गजेंद्र उस तालाब में प्रवेश किया पानी पीने के लिए, ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और पैर पकड़कर जय श्री कृष्ण पैर पकड़कर उसको अपनी ओर खींचता है। गजेंद्र पूरी ताकत लगा दिया, बहुत बड़ा परिवार है, 50 पत्नी 150 बालक है, सबको कहते रहता मुझे बचाओ मुझे बचाओ, सबने प्रयास कर लिया पर सब प्रयास फेल। फिर थोड़े दिन रहे फिर वहां से चले गए कि इसके भरोसे अपनी भी नैया डूब जाए। जय श्री कृष्ण। सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए तो फिर भगवान को पुकारता है। व्यक्ति जब तक उसकी ताकत रहती, जब सब पद रहता है, प्रतिष्ठा रहती, धन रहती, दौलत रहती है, तब तक सोचता है भगवान अलमारी में रहे या फिर मंदिर में रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हे भगवान कैसा मनुष्य बनाया है। जय श्री कृष्ण। तो ग्राह
छोड़ता नहीं पैर। सब प्रयास फेल हो जाने के बाद में गजेंद्र उस भगवान को पुकारता है, आर्त भाव नाभि से पुकारा। जय श्री कृष्ण। और फिर भगवान को आवाज गई तो कहते हैं, तारा है सरज माला वो श्याम हमको भी तारो,
हमको भी पाए श्याम हमको भी पाए राम हमको भी पाए श्याम हमको भी पाए राम हमको भी पाए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने कहीं भक्तों को तारा है तो गजेंद्र भी पुकार लगाता है कि हरि मुझे भी मेरी भी रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में है। और भगवान अपने वाहन पर आरूढ़ होकर भक्त की रक्षा के लिए निकलते हैं अपने लोक से। जैसे ही गजेंद्र के निकट आते हैं, गजेंद्र अपनी सूंड से भगवान को पुष्प देते हैं। क्या देते हैं? फूल देते हैं, पुष्प देते हैं, कमल का। कमल का फूल देने का मतलब होता है कि हे हरि, मेरा जो मन रूपी फूल है मैं आपको सौंपता हूं, आप मेरी रक्षा करना, आपको सौंपता हूं। इधर तो समस्या हल नहीं हो रही है। और पुष्प सौंपने के बाद में भगवान उनको वहां से निकालते हैं। जैसे निकालने के लिए तैयार होते हैं, ग्राह जो होता है, मगर जो होता है, पैर छोड़ता नहीं, उसके साथ वो भी बाहर आ जाता है। भगवान उसको मारते हैं, उसकी मुक्ति करते हैं और गजेंद्र की उससे रक्षा करते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद में समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र में से पहले जहर निकलता है उस और आखिरी में अमृत निकलता है। 14 रत्न निकले, कहते हैं कि जहर को संभालने के लिए कोई नहीं मिला, तो बोले भोला भाला कौन है उसको पकड़ो। जय श्री कृष्ण, जो भोला वाला है उसी को पकड़ो। बोले वो पी लेगा। बोले बरोबर, तो कौन है देखा? तो बोले भोलेनाथ जी है। बोले जाओ उनके पास, पिला दो। उनके पास गए तो उन्होंने जहर को कंठ में धारण किया। जय श्री कृष्ण। ये जहर का अभिप्राय क्या होता है? जहर क्या करता? मारने का काम करता है। और एक जहर होता है संसार में, राग द्वेष रूपी जहर। ये जहर को आप और हमको भी कंठ में रखना है। अपमान का जहर, राग द्वेष का जहर यदि आप और हमारे बुद्धि में कोई लाकर डाल देता है तो उस जहर को भीतर नहीं उतारना, कंठ में रोक देना। तो भगवान भोलेनाथ ने जहर पिया, इसके लिए उनको नीलकंठ महादेव कहते हैं। तो आप और हमको भी संसार का जहर पीना पड़े पी लेना, पर उसको भीतर मत जाने देना, उसको रोक के रखना। जहर को भीतर कभी गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा महाराज। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक समय एक संत के पास एक व्यापारी आया। क्या आया? व्यापारी आया संत के पास। बोले कौन है? बोले बे व्यापारी हूं। बोले व्यापार करने आया हूं। बोले काय का व्यापार है? बोले मेरा एक गधा है, इस गधे पर सामान रखकर मैं व्यापार करता हूं। बोले काय का? बोले अत्याचार का, अहंकार का, ईर्ष्या का, बेईमानी का और छल कपट का व्यवहार करता हूं, ये सब सामान बेचता हूं। बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम शैतान है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोले तेरा नाम क्या? शैतान है।
बोले कहाँ बेचेगा? तो बोले जे लोग है ना यहाँ बेचने का काम करूंगा। बोले कौन लेगा? बोले लेने वाले बहुत सारे है। बोले तो बोले अत्याचार किसको बेचोगे? तो बोले सत्ताधारी जो लोग होते हैं वो अत्याचार करते। बोले मैं ये उनके उनको बेचूंगा जाकर। और अहंकार, बोले संसारी लोग अहंकारी हो जाते, पद प्रतिष्ठा आई वो अहंकारी हो जाते हैं उसके कारण। तो बोले मैं उनको बेचूंगा। बोले ईर्ष्या जो जलन है, बोले विद्वान लोग खरीदेंगे उस चीज को। जो पंडित लोग होते हैं, जो शास्त्रों को जानने वाले होते हैं, उनमें बोले ईर्ष्या होती है। बोले मैं उनको ये चीज वो खरीदते हैं बोले मेरे से। अच्छा, और छल कपट, छल कपट बोले माताएं खरीदेगी मेरे से। बोले जय श्री कृष्ण। और बेईमानी, बेईमानी बोले जो व्यापारी आदमी होता वो बेईमानी मेरे से खरीदता है। बोले बोले ऐसा? बोले हाँ। बोले जय श्री कृष्ण। एक बार एक भाई के पास में उसके मित्र लोग मिलने आए। क्या करने आए? मिलने के लिए आए। और कहा कि बहुत सालों बाद मिलने आए हैं तो घर जाकर भोजन वोजन करेंगे। बोले रुको। बोले 15-20 उसके दोस्त थे, मिलने आए थे। तो उसने पत्नी को फोन किया कि मेरे दोस्त आए हैं 15-20। फोन करके बोले घर पर भोजन बना लेना। बोले तो उसकी पत्नी बोलती है उधर से, बोले फोन में ये सुविधा नहीं है। बोले ये कवरेज एरिया के बाहर है। बोले ये सुविधा बंद कर दी गई है, ये सुविधा नहीं है बोले फोन में। बोले अब उसके दोस्त थे, अब दोस्त के सामने क्या बोले? अब वो तो समझ गया कि कौन सा फोन बोल रहा है, कौन सा कवरेज के बाहर है, वो तो समझ गया महाराज। तो उसके दोस्त बोले भाभी को बोलो, बोले हम घर जाकर भोजन करेंगे। तो भाई बोलता, बच्चों तुमको नहीं मालूम मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। एक समय बाली के सामने बोले आधा बल हो जाता था, आज मेरा होता है मुझे मालूम है। बोले फोन में उन्होंने इशारा कर दिया। बोले ये सुविधा नहीं है, सुविधा की कोई आशा ना करे। बोले बच्चों चलो भाई दोस्तों, बोले चलते अपन होटल में जाकर खाएंगे, वहां बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलता। उनको घर ले जाने के बजाय उधर ले गए। क्यों? क्योंकि मालूम है उनको कि घर का मामला क्या है। जय श्री कृष्ण। होता है, होता होगा आपको मालूम है, कभी कभी मामला सही ढंग से नहीं रहा तो हो जाता है। जय श्री कृष्ण। तो शैतान ने कहा कि मैं ये व्यापारी करता हूं और ये बेचने जाना है। जय श्री कृष्ण। तो संत ने कहा ठीक है भाई, अब तेरा काम है, तू जा करते जो करना है। तो वो शैतान धरती लोक पर आया और सबके पास आसपास आया है, यहां भी आया है और अपने गांव में भी आया है। अब ध्यान रखना, जो ये खरीदेगा वो शैतान का मित्र हो जाएगा महाराज, और उसका नुकसान हो जाएगा। वो बेचने आया है शैतान, बेईमानी, ईर्ष्या, अहंकार, अत्याचार, ये सब बेचने आया है। तो इसको कौन खरीद? आप सब खरीदोगे क्या? जय श्री कृष्ण। ऐसा जो खरीदेगा समझ जाना फिर आप। जय श्री कृष्ण। समझ जाओगे ना कि शैतान आया है और ये खरीद बेच रहा है। व्यापारी कोई दूसरा नहीं है, गधे पर रखकर ये सब सामग्री लेकर आया है और बेच रहा है। आप उससे बच जाना कि हमको ऐसे व्यापारी से कोई लेना देना नहीं। अहंकार आए तो समझ जाना शैतान बेचने आया है, व्यापार करने आया है। ईर्ष्या आए वे, बेईमानी मन में आए तो ये शैतान ये व्यापार कर रहा है महाराज। इससे सावधान रहना, और जो सावधान रहेगा महाराज वो बच जाएगा। नित्य घूम रहा है, अने घूमज रहा है महाराज, कोई नहीं बचता बड़ी मुश्किल से। जय श्री कृष्ण।
अपने नगर में भी शैतान घूम रहा है। जय श्री कृष्ण। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। और समुद्र मंथन से जहर निकला भगवान भोलेनाथ को दिया गया, और जो अमृत निकला उसमें बंटवारा हुआ, आपको मालूम है, मोहिनी रूप रखकर भगवान ने देवताओं को पिलाया गया। दैत्यों को राहु केतु ने उसकी पंगत में आकर बैठ गए तो उनको भी मिल गए। आज भी वो तकलीफ दे रहा है। पात्र को ही सर्वश्रेष्ठ चित दी जाती है, कुपात्र को नहीं दी जाती। कुपात्र उसका दुरुपयोग करता है, इसलिए महाराज उससे बच गए। और उसके बाद में समुद्र मंथन के बाद में राजा अम्बरीश की कथा आती है। राजा अम्बरीश की कथा है, और उसके बाद में भगवान राम का जन्म होता है। उसको एक भजन के माध्यम से हम उस प्रसंग को ले लेंगे। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के पहले भगवान राम का जन्म होता है। जय श्री कृष्ण। क्योंकि आज आप और हमको संत सेवालाल महाराज जी की 282वीं जयंती भी मनाना है, तो इसके लिए इस प्रवाह को हम थोड़ा सा विस्तार न करते हुए छोटे रूप में ले लेते हैं। जय श्री कृष्ण। सेवालाल महाराज जयंती मनाने के लिए कौन कौन आए हैं, हाथ खड़े कर कर बताओ। जय श्री कृष्ण। बहुत खुशी की बात है कि आज समाज में संत के प्रति इतनी अपार श्रद्धा पैदा हो रही है। इससे पता चल रहा है कि समाज में आज संतों के प्रति जो आस्था है, इससे पता चल रहा है कि समाज अब सही दिशा में जा रहा है। तो भगवान राम का जन्म के बाद में हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की ओर प्रस्थान करें। जय श्री कृष्ण। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे। Jai Ram, 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 Jai Ram,
के ले आए सीतावर के, त्याग भये वनवासी उठ किया क्या सिर धर के, त्याग भये वनवासी उठ किया क्या सिर धर के, लखन सियाले संग लखन सियाले संग छोड़ी रचदाने राम गाने, छोड़ी राम गाने राम गाने जनक सुता सीता को चल बल से ले गया है के, उस जनक सुता सीता को चल बल से ले गया है के, बड़ा दुख पावे रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। और भगवान राम जन्म के बाद में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। देवकी और वसुदेव जी का विवाह होता है और कंस छोड़ने जाता है और आकाशवाणी होती है
कि देवकी के गर्भ से जो बालक होगा आठवां बालक वो तेरी मौत का कारण होगा। ये सुनकर कंस बहुत परेशान हुआ और मारने के लिए तलवार निकाल ली। अहंकार अभिमान के पास में विवेक नहीं होता, कोई भी बात निकली तो सोचेगा नहीं समझेगा नहीं। अहंकार और अभिमान जो होता है उसके पास में सोचने और समझने का समय नहीं होता, और जो सोचता नहीं समझता नहीं और तुरंत निर्णय ले लेता है ऐसे लोग दुनिया में बहुत पछताते हैं, बहुत पछताते से। तो मेरे भाई बहन कुछ भी घटना घटी है कुछ बात आई तो उसको सोचो समझो, एकदम से निर्णय मत लो। और वसुदेव जी समझाते हैं कि तकलीफ बालक से है, बालक मारेगा तो जो भी बालक जन्म लेगा वो आपको हम सौंप देंगे। विवेकी आदमी रास्ता खोजता है, कठिन परिस्थिति में भगवान बुद्धि देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम एन मामु पयांति ते, जो भगवान को भजता है तो भगवान कहते हैं मैं इसे बुद्धि योग देता हूं। क्या देता हूं? बुद्धि देता हूं। और बुद्धि क्या करती? कठिन परिस्थिति से निकालकर भार ले आती आप ब्रह्म को। और वसुदेव जी ने सुझाव दिया कि ऐसा ऐसा ठीक है, मान गया कंस और कारागृह में उनको रख देते हैं। जैसे ही बालक का जन्म होता है छह बालक उनको सौंप दिए गए, छह को मार दिया और सातवें गर्भ के रूप में बलराम जी आते हैं। योग माया को आदेश दिया गया कि गोकुल में जाकर रोहिणी के गर्भ में इसकी स्थापना कर दो और यहां कह दो कि गर्भ गिर गया, और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापना कर दी गई और आठवें बालक के रूप में चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण कारागृह में आए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये फूल बांटते जब तक कीर्तन कर ले अपन। जय श्री कृष्ण। सब खड़े, कोई खड़े न हो, सबको थोड़े थोड़े फूल दे दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम जय राम जय जय राम।
अवतार कृष्णा स्वागत किया तब जाकर भगवान कहलाए। तो भगवान का चतुर्भुज रूप में कारागृह में आए और बाल रूप लेकर मां की गोद में आए और कंस को भनक न पड़ जाए इसलिए भगवान रात के 12 बजे भगवान का जन्म होता है और वसुदेव जी उनको ले जाते हैं गोकुल की ओर ताकि इस कंस को पता न चले और मथुरा से अपने सिर पर रखकर भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना रानी से होते हुए सब देवता कोई फूल कोई वर्षा कर रहे कोई पानी सब अपने अपनी तरह से भगवान के दर्शन कर रहे हैं और आप और हम आज भगवान के उस भाव के माध्यम से कथा के माध्यम से दर्शन कर रहे और गए गोकुल यमुना जी से होते हुए और भगवान श्री कृष्ण को वहां पर माँ यशोदा के वहां रखकर वहां से कन्या को लेकर वापस प्रस्थान होते हैं और वहां पर उत्सव होता है। कृष्ण जन्म की आप सभी को बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो जय श्री कृष्ण। और गोकुल में उत्सव मनता है 6 महीने तक। जय श्री कृष्ण। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आप और हम भी उत्सव मना लेते हैं
आला दे आला
बाबन की चुरो की सेना, अरे बाबन की चुरो की सेना, जरा बच के समल के जीरे ना, बच के समल के जीरे ना, बड़ी नटखट है भोज कहीं आई है मौज, नटखट है भोज कहीं आई है मौज, बड़ी नटखट है भोज कहीं आई है मौज, बड़ी नटखट है भोज कहीं आई है मौज, नहीं बचने का बचने का कोई भी ताला ताला कोई Thank you.
गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। बहते हैं जमुना गहरी, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख। बंस को मुख्य कमलायो जिया, गोविंद गोकुल उसको उसको पास में बैठने वाले सोगत भगवान का जन्म विदो चार दोनों हाथ खोलते हुए ये वीडियो कैमरे वाले सबके दो दो हाथ खींच लो इनके। अरे तू मत कर, अरे नंद गर आनंद भयो जय कन्हैया, नंद गर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सारी पब्लिक बोलेगी, आवाज सबकी आनी चाहिए, शिवा बाबा तक पहुंचनी चाहिए यार, क्योंकि शिव बाबा की जयंती है। नंद गरियानंद भयो, नंद गरियानंद भयो, नंद गरियानंद भयो। You know I love you.
कृष्ण जन्म की सबको बधाई हो। जय श्री कृष्ण। आ गए सभी दाढ़ी। जय श्री कृष्ण। परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चेतन बापू की, संत श्री सेवालाल महाराज की, संत श्री हरिराम जी महाराज की, संत श्री सिंगाजी महाराज की, जय श्री कृष्ण। और आज ग्राम पोखराबाद में भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आप और हमने भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया। भगवान तो प्रकट होते हैं पर लीला के अंतर्गत जन्म उत्सव आप और हमने मनाया। इसके बाद में आप और हम सब मिलकर संत श्री सेवालाल महाराज की 282 जयंती मनाएंगे और उसके बाद में हम कथा को विश्राम की ओर ले जाएंगे। जय श्री कृष्ण। तो समिति से मैं अनुरोध करूं कि वो आकर उनके उद्गार प्रकट करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या टाइम हुआ है अभी? टाइम हो ही गया ना अपना। जय श्री कृष्ण। बरोबर समय पर आ जाते अपन। क्या बात। जय श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जन्म को आप और हमने बहुत भाव के साथ मनाया। अब उस महापुरुष की जयंती को हम मनाएंगे। हर समाज में कहीं न कहीं महापुरुष हुए हैं। हमारी व्यासपीठ किसी विशेष एक इसको नहीं ये रखती, उसके लिए तो सभी समान है। परंतु आज संत श्री सेवालाल महाराज की जयंती है, इसके लिए आज हम विशेष तौर पर वह जयंती मनाएंगे। जय श्री कृष्ण। नारायण 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 ओ 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 नारायण नारायण
अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि सदगुरु सेवालाल महाराज की आज जयंती के पावन उपलक्ष्य में आप सभी महानुभाव हमारे वरिष्ठ लोग कहते हैं कहीं सेवालाल के भक्त बैठे हैं तो कहीं ईश्वर सिंह महाराज के वंशज बैठे हैं, कहीं उस शाम की माता के लाल बैठे हैं, कहीं उस बाबा रामदेव, कहीं लक्की साहब बंजारा के उपदेशों पर उनके पदचिन्हों पर बैठने वाले पदचिन्हों पर चलने वाले लोग बैठे हैं। तब कहना चाहता हूं कि सात सुरों को मिलाकर एकलय बोले और तुलजा भवानी के सिंह की भांति निर्भय होकर बोले, और जिनकी रगों में हो पिता का खून, जिनके माथे पर हो सेवालाल का हाथ, केवल वो ही सेवालाल की जय बोले। बोले सेवालाल महाराज की जय हो। आज सेवालाल जयंती के पावन उपलक्ष्य में अखिल भारतीय चैतन्य साधक परिवार, चैतन्य बंजारा समाज के हमारे जिला अध्यक्ष परम आदरणीय भिकाजी मास्टर साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा वे आए पूज्य संत श्री के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर हमें दो शब्द अनुग्रहित करें, मार्गदर्शन करें। बोले सेवालाल महाराज की। मैं हमारे वरिष्ठ माननीय सम्माननीय मास्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा, समय का ध्यान रखते हुए व्यासपीठ से हमें आदेश है और समय भी हो चुका है, हमारे बीच में और भी हमारे महानुभाव हैं, दो मिनट के लिए हमें मार्गदर्शन देंगे आदरणीय मास्टर साहब। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सर्वप्रथम खंड प्रबंड के नायक श्री सेवालाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्मलीन परम पूज्य बापू जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। योगेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यासपीठ विराजित श्री पूज्य राधे चेतन जी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज पोखरवाद गांव में भागवत कथा जो चल रही है उसमें हमारे पुण्य भाग हैं, जो सेवालाल जयंती इसमें पुण्य स्वरूप में आज हमको सेवालाल जयंती मनाने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। ये सभी भक्त प्रेमियों माता बहनों की बड़ी पुण्य तिथि है कि आज हम पोखरत गांव में सेवालाल जयंती मना रहे हैं। हमारे समय समय पर हमारी समाज में दिशा देने के लिए क्रांतिकारी संत पैदा हुए हैं। बंधुओं, समाज एक बहुत ही स्वाभिमान क्षत्रिय वंश के स्वभाव वाले हमारे बंजारा समाज के लोग हैं, जिनमें दिशा देने के लिए सच्चे मार्ग पर चलने के लिए रामदेव जी बाबा ने हमको मार्गदर्शन दिया। सेवालाल महाराज जो एक शिव स्वरूप, शिव जी के अवतार ही
हम मानते हैं ऐसे संत हमारे समाज में पैदा हुए, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे संत हमारे समाज में पैदा हुए। समय समय पर हमको सतमार्ग के चलने के लिए सेवालाल महाराज ने हमें अवसर दिया और उस मार्ग पर हम चलकर हमारे जीवन को कई लोगों ने सफल बनाई। परंतु ध्यान रखें कि जिन्होंने मां भवानी पार्वती जी ने आह्वान कर भक्ति के लिए तैयार किया, ऐसे संत भविष्य में किसी काल में पैदा हुए हैं, ये बड़ी सोचने की बात है कि वो संत हमारे समाज में पैदा हुए। बंधुओं, ज्यादा ना कहते हुए उनके मार्ग पर हमारा परिवार, हमारा समाज चले। भागवत के द्वारा हमारे परम पूज्य राधे चेतन जी ने महाराज ने हमें सत्य मार्गों को चलने के लिए त्याग किस प्रकार से करना चाहिए, ईर्ष्या जलन, ये जो खराब चीजें अहंकार, इनको त्याग कर हम अच्छे मार्ग पर चले। बंधुओं, उसके बाद में ईश्वर सिंह महाराज हुए, परम पूज्य बापूजी हमको सत्मार्ग बताने के लिए पैदा हुए, जो आज हमारे निमाड़ में साधक बंधुओं की संख्या, हमारी समाज की संस्कृति को सुधार परम पूज्य बाजू के बापूजी के द्वारा हुआ, जो आज हम भागवत कथा में इतनी संख्या पर बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ये परम पूज्य बापूजी की कृपा है। बंधुओं, इससे भी बड़े हाथीराम बाबा, सभी को इतिहास मालूम है, वो हमारे समाज में पैदा हुए, जो ईश्वर के साथ में खेल खेल कर उन्होंने जो मंदिर के अंदर सोना चांदी चढ़ा हुआ था, वो चौपट के अंदर ईश्वर के साथ पर जीत गए। हाथीराम बाबा जो हमारे समाज के थे, जब राजा को पता चला कि मंदिर के गहने कहां पर गए, जब देखा तो हाथीराम बाबा के आश्रम में वो गहने प्राप्त हुए। हाथीराम बाबा को पूछा गया कि भाई, ये तो भगवान ने स्वयं ने मुझे इसमें मैंने जीते हैं और ये भगवान ने मेरे सुपुर्द किए हैं, चौपट में ये भगवान ने मेरे सुपुर्द किए हैं। तो राजा बड़ा अचंभित हो गया कि ये किसी असंभव बात है जो हाथीराम बाबा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम ये सत्य है तो मैं गन्ना एक ट्रक बुलाकर आपके सामने रखता हूं, इसको खा जाओ तो मैं समझूंगा कि भगवान ने आपको दर्शन दिए। बंधुओं, ये सत्य बात है, उस राजा ने एक ट्रक गन्ना बुलाकर उनके सामने रखा और वो, क्योंकि वो जब ईश्वर ही उनके साथ पे चौपट खेली तो मामूली संत नहीं हो गए, वो एक ट्रक गन्ना खा गए और राजा को अचंभित हुआ और राजा ने 1,000 एकड़ जमीन उनको दान दी। ऐसे संत हमारे बीच में पैदा हुए। तो इसी प्रकार के हमारे परम पूज्य बापू जी, उनके वचनों पर, उनके वाणी पर चलकर हमारा जीवन भी सफल बनाए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मास्टर साहब को। और अगली कड़ी में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा परम आदरणीय एडवोकेट श्री राजीव जी चौहान को, वे आए, वे भी पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर समय का ध्यान रखते हुए कम समय में जय सेवालाल।
भाइयों, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरा और सेवा भैया के बीच में, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है हमारा और अपने भैया के बीच में। ज्यादा मैं मांगता नहीं, ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं, ऐसे हमारे संत श्री सेवालाल जी महाराज। आदरणीय राजू जी चौहान, समय का विशेष ध्यान रखते हुए। जय श्री कृष्ण। समय का अभाव है, परम पूजनीय अर्चनीय प्रातः वंदनीय स्मरणीय संत शिरोमणि संत सेवालाल महाराज जी के चरणों में नमन, परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जी के चरणों में नमन, वृंदावन धाम पाल आश्रम में विराजमान परम श्रद्धेय संत श्री गोपाल चैतन्य बाबा जी के चरणों में नमन, व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य संत श्री राधे चैतन्य महाराज जी के चरणों में नमन एवं आज भागवत गीता ज्ञान गंगा के इस महायज्ञ में उपस्थित सभी माता बहनें, भक्तिमती माताएं एवं सभी साधक बंधु एवं सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण जय सेवालाल। सर्वप्रथम मैं सभी को संत सेवालाल महाराज जी की 282वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हार्दिक बधाई देता हूं। बंधुओं, सत्संग ज्ञान गंगा आज श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा ग्राम पोखराबाद में त्रिवेणी संगम संत सेवालाल महाराज जी की जयंती और संपूर्ण बंजारा समाज और अन्य भक्तगण भी यहाँ पर उपस्थित है और बापू जी ने जो संदेश दिया है संत सेवा भाया ने कहा है, मैं थोड़ी अपनी भाषा में बताऊंगा आपको कि संत सेवा भाया के गो तो कि कलयुग में करोड़ है जाए रांडियारो राज है जाए सिंगेर भाव सोनो सिंगेर सोनो है जाए और रुपयार भाव पानी बिक जाए। आज ही देखो कि जो हम बड़े दिन खरीदा जा वो सोनेर भाव है गे जो रुपया बचे पानी पीके लगो अने कलयुगे में परिवर्तन है गो जो संत सेवा भाया आज सो 250 वर्ष पूर्व के गो तो और वादे में उनके हम लीले घोड़े कहते थे कि 600 वर्ष पूर्व जब रामदेव बाबा जन्म है। मैं थोड़ा बाबा जी हमारी भाषा में आज सेवालाल महाराज जी की जयंती है तो आज सेवालाल महाराज की जयंती है इसलिए अपनी भाषा में बोल लू ज्यादा उचित समझ रहे। 600 वर्ष पूर्व बाबा रामदेव जी जन्म है तो जिन हम लीले घोड़े वालों के वहां जा और वो जन्म 282 वर्ष पूर्व संत सेवा भैया रूपे में है और वो जन्म 125 वर्ष पूर्व राम राम बापू जी में है और वो जन्म 1968 में बापू परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जन्म है। जब इस बंजारा समाज में मतलब महान संत आ गए फिर भी आज भी हमारी स्थिति वसर वसत क्यों, ये समाज जो व्यापार करती थी बड़े व्यापार जो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने व्यापार करती थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े बड़े व्यापारी ने मार्गदर्शन करती थी जो रोडवेज बना दी नहीं जर पर सरकार आज रेल चला रही है जो कुएं जितना रात रुकते थे वतज वो अपने बावड़ी खोदते पानी पीते थे। अति प्रभावशाली समाज है ना आज हम लोग अपन अतरा कर्मठ जा अपन अतरा बलशाली जा और अपन अतरा कर्मियों पर ध्यान देवा जा कि हमारे व्यापार जो करे वाली समाज और आज हम लोग एक दूसरे ने ताका जा और हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति थोड़ी सी छोड़नी पड़ी। हमने कुएर मिनकी कौन बनो मतलब हमने कुए उस मिनकी बाहर निकलता देखो जा कि संसार कतरा बड़ो जा और जब अतरी बड़ी तो भागवत कथा हेरी जा तो ये बापू जी जो बताया हमने संदेश देखे जा और ओनोर अनुसार जो श्रद्धे संतन हमने जो सत्संग दे रहे जा ओनोर जो सिद्धांत जा ओनोर जो शब्द जा उन्होंने हमने ग्रहण करनो जा न कि हमने खाली तो 5 दिन सत्संग सामर्थाए और घर जाता है सब झटक देनो जा सो कौन करनो मतलब इन ग्रहण करनो जा और अपने जीवने में धन्य करनो जा। मैं एक छोटी सी कविता माध्यम से वैसे समय कम रहे जा तो कम समय में बोले कौन जाओ कि बंजारा समाज की स्थिति काई होती और बंजारा समाज काई करतो तो वो ये कविता माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहूं जो कि व्यापार सिखाया जगत को ऐसे बणजकार बंजारे थे व्यापार सिखाया जगत को ऐसे बणजकार बंजारे थे अरबों का व्यापार सिखाया ऐसे पूर्वज हमारे थे एक वो भी बंजारे थे जो गुरु दुनिया को सिखा गए लिखने वालों ने जो लिखा कुछ बंजारे दिखा गए अब है वो लाद जिनकी भटकती क्या ये शर्म की बात नहीं सच पूछो जाकर उन्हें क्या तुम उनकी औलाद नहीं
जैसे भोले शंकर ने धन दुनिया को लुटा दिया, देवों को अमृत पिलाया, खुद ही जहर का प्याला पिया, वही अक्ल की बंजारों ने दुनिया को व्यापार दिया, खुद बेटे चट्टान पे जाकर धंधा ढूंढकर उन्हें दिया। गांधी, भगत, पंडित जवाहरलाल, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कभी होंगे बंजारों के लाल, तन मन धन से सेवा कर लो, संत सेवा भाया बापूजी राह बताएंगे, भूले बिसरे बंजारों को सही राह बतलाएंगे। तो बंधु, समय अभाव ज और बंजारा समाज है ना, हमने अपने आप में गर्व हेणु चाहिए कि संत सेवा भाया जैसे लोग हमारे बीच में जन्म और हमारे समाज में जन्म ली दे, परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जैसे लोग हमारे में जन्म ली दे। संत अभी बता रहे थे कि हाथीराम बाबा जी हमारे वास्तव बंजारा समाज रहते, हम लोग अभी बालाजी से आए जाए, वो वास्तव में देखे हम इतिहास कि हाथीराम बाबा बंजारा समाज है और हमारे बीच में और भी कई ऐसे संत अभी जो विराजमान जा और वो समाज विकास के बारे में बात करा जाए, तो हम लोगों ने जो बातें उन ग्रहण कर लो जा और समाज एकता संगठन बनानो जा और समाज विकास करनो जा, सामाजिक आर्थिक रूपे से मात्रा के धन अपने स्थान ग्रहण करो जो। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौहान जी को। अब मैं अगली कड़ी में हमारे बंजारा युवा संघ के जिला अध्यक्ष युवा वक्ता आदरणीय राजेश जी भाई साहब, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा। वे पूज्य संत श्री सेवालाल जी महाराज के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर दो शब्द रखेंगे। इनके पश्चात आदरणीय डॉक्टर विक्रम जी राठौर अगर आ गए हों तो वे व्यास मंच के पास में आ जाएं। जय सेवालाल, जय सेवालाल। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। संत शिरोमणि हमारे समाज के आराध्य देव श्री सेवालाल महाराज जी के चरणों में नमन, ब्रह्मलीन श्री बापू जी के चरणों में नमन, व्यासपीठ पर विराजमान श्री बाबा जी के चरणों में वंदन। आज की इस पावन धरा को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त प्राणी मात्र को मैं नमन करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को संत सेवालाल महाराज की 282वीं जयंती का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बंधुओं, समय का अभाव है, बातें बहुत सारी है कहने को, बहुत सारे विचार आपसे जानना है, हमारे विचार आपको बताना है, तो कुछ ही शब्दों में मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सबसे पहले थोड़ी सी बात समाज के बारे में। हिरण, हिरण जो आता है, हिरण की गति होती है एक घंटे में 90 किलोमीटर चलता है, एक घंटे में 90 किलोमीटर, और जो शेर होता है वो चलता है एक घंटे में केवल 60 किलोमीटर। बंधुओं, फिर भी अक्सर शिकार हिरण का ही होता है, हिरण मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भय रहता है, वो हमेशा डर रहता है उसको कि मैं शेर से कमजोर हूँ, कहीं मेरा शिकार ना हो जाए, शेर मेरे पीछे ना आ जाए, तो पीछे बार बार मुड़कर देखता है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका हौसला भी कम हो जाता है और उसकी रफ्तार भी कम हो जाती है, उसी प्रकार वो अपनी ताकत खो देता है, अपनी हिम्मत को भूल जाता है कि मेरी रफ्तार ज़्यादा है। उसी प्रकार बंजारा समाज ने भी अपनी ताकत और अपनी जो बुद्धिमानी है सब खो दी है, अपने आप पर विश्वास नहीं है, सबके वजह हम कौन सुधर सका, क्यों नहीं सुधर सका, अपन प्रयास कौन कर रहे, कोई अपने को ऐसा अभिशाप थोड़ी मारे से कि सुधर कौन सका। आता बैठे हुए बुजुर्ग हमारे युवा साथी बताओ, अपने 5 या 10 साल को प्लानिंग से कि अपना समाज में कहीं सुधार ही है,
पांच साल बाद अपन कद देखा अपने समाज में कि दस साल बाद अपने समाज में कद देखा जा। कोई नहीं, बस अपन अपने जी रहे जा, अपने परिवार बारे में सोच रहे जा, अपने गांव बारे में सोच रहे जा, समाज बारे में कोई नहीं सोच रहे। समाज कद रही है, कसो का ही है, दूसरी समाज आगे जा रही है, अपन उतर उतर अच्छा वो जी पीछे आ रहे थे मार साहब पीछे आ रहे थे। हमारे ठाकुर भाई एक बात कहो छे तुम्हारा तो पोखरावा दे रहे छे कि अपने समाज में एक एक बड़े एक हनुमान छे बाबा जी हनुमान छे पर उन्होंने जगह वाले जामन कौन मला हनुमान तो सब छे ज्ञान भीरो ध्यान भीरो पिसा भीरो भुक्ति भीर सब री पर जामन तेर कमी छे तो चलो जामन बन जावा हनुमान ने जगह देवा। देखो बंधुओं माताओं बहनों सभी निवेदन छे कि समाज अगर विकास करनो छे अपने आप विकास करनो छे तो समाज में विचार क्रांति लानो पड़ी विचार क्रांति और वो विचार क्रांति कदी आए यदि हम संगठित रिया एक दूसरे साथ रिया और अपन साथ कदी रिया यदि एक दूसरे सहयोग दिया एक दूसरे विश्वास करिया भरोसा करनो पड़ी है। मैं आता बोल रहा छू कौन छू कई ऐसा कोई मतलब कौन मल मैं कई बोल रहा छू ओसू अपने फायदो छक नहीं मल ओसू देखो अपने ना बिल्कुल एक दूसरे भरोसा करनो पड़ी है और कंधे से कंधो मिला धड़ी समाज के लिए सोचना पड़ी है प्लानिंग करनो पड़ी है। हर बार हम एक कार्यक्रम करा छा और भूल जावा छा आखिरी दिल लाइन के धड़ी मैं अपना स्थान ग्रहण करूँ कि दोस्तों विचार और व्यवहार वो बगीचे के फूल हैं। विचार और व्यवहार बगीचे के वो फूल हैं जो किसी भी व्यक्ति के विकास और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को महका सकते हैं। जय जवाहरलाल जय बंजारा वाला बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश जी शायद डॉक्टर विक्रम जी राठौर यहाँ पर उपस्थित नहीं है और भी हमारे बीच में बहुत सारे महानुभाव है लेकिन मैं सभी से क्षमा चाहूँगा। बहुत सारे हमारे बीच में बंजारा समाज के जनप्रतिनिधि वरिष्ठ समाज सेवक सभी बैठे हैं काफ़ी वक्ता बैठे हैं लेकिन समय का अभाव होने से मैं क्षमा चाहता हूँ और अब मैं आमंत्रित करूंगा आभार के लिए बंजारा युवा संघ के हमारे जिला उपाध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट कैलाश जी यादव से वे भी संत श्री के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर समय का विशेष ध्यान रखते हुए कम समय वचनामृत ग्रहण करना है। वे भी हमें संत श्री सेवालाल जी महाराज के विषय में हमें मार्गदर्शन देंगे। भाइयों आदरणीय कैलाश जी यादव जय सेवाला परम पूज्य संत शिरोमणि श्री सेवालाल बापू महाराज जी की चरणों में सत सत नमन। ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री लक्ष्मी जी बापू जी के चरणों में सत सत अभी सबको आरती में सम्मिलित होना है। जय श्री कृष्ण। व्यासपीठ पर आसीन चैतन्य राधेय महाराज जी को चरणों में सत सत नमन। बहुत ही कम समय है और बातें बहुत सारी करनी है लेकिन हमारे वरिष्ठ माठ साहब ने और राजू भाई ने बहुत सारी बातें बता दी है कि जो हमारा समाज है बहुत ही बुद्धिजीवी समाज है कहीं ना कहीं उसको सहयोग नहीं मिल पा रहा। देर और बैठ जावे फिर आरती ही करना है। जय श्री कृष्ण। सिर्फ समाज में संगठन की कमी है कहीं ना कहीं एक दूसरे को सहयोग देने की कमी है बाकी हमारे समाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े संत हुए मैंने कहीं सत्संग में सुना था कि कहीं सात जन्म के पुण्य जब जागृत होते हैं तो हमारे विचार में आता है कि हम कहीं सत्संग में जाएं। जहाँ कहीं हमारे 14 जन्मों के पुण्य अगर जागृत होते हैं तो कहीं ना कहीं हम सत्संग में सम्मिलित होते हैं और जहाँ हमारे 21 जन्म के पुण्य अगर जागृत होते हैं तो हम ऐसे
पावन समय में और ऐसे सत्संग में हम सम्मिलित होते हैं और सत्संग सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के 28 जन्म के पुण्य जागृत हैं जो कि हम सब लोग यहाँ साथ में बैठे हैं। बहुत ही पावन दिन है आज, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। कहीं ना कहीं हमारे संत सेवालाल महाराज जी की जयंती का दिल से उत्सव मनाया गया और 21 जन्मों के पुण्य जहाँ जागृत होते हैं वहाँ सत्संग होता है और वहाँ हम सम्मिलित होते हैं, तो ऐसा आज वो दिन है जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और बापू सेवालाल महाराज जी की जयंती मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूज्य महाराज जी के प्रवचनों से हम कहीं ना कहीं ज्ञान गंगा ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए सभी हमारे बंजारा बंधुओं से, माता बहनों से और सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो कि आज जयंती में पधारे और सत्संग में पधारे और जिन्होंने सत्संग का लाभ लिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से बंजारा युवा संघ की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय सेवाला। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आप सभी को परम पूज्य संत शिरोमणि सेवालाल महाराज की 282 जयंती पर हार्दिक शुभकामना। जय श्री कृष्ण। जय सेवालाल। प्रिय बंधुओं, एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको। यदि वास्तव में हम संत को स्वीकार करते और संत को हम हमारी धरोहर समझते हैं तो उसके दो सूत्र है, अधिकार और कर्तव्य। क्या दो सूत्र है? अधिकार और कर्तव्य। यदि वास्तव में जयंती मनाते हैं और मनाएंगे और संत को स्वीकार करेंगे और कदम से कदम मिलाकर यदि चलना है तो अधिकार और कर्तव्य को संभालना पड़ेगा। संतों ने आप और हमको अभिव्यक्ति की आजादी दी, हमारे विचारों को रखने की आजादी दी, तो संतों ने आप और हमको अधिकार दिया कि जन जन में संत सेवालाल महाराज, संत श्री बापूजी महाराज के विचारों को, उनके जीवन को हम प्रचार प्रसार करें, ये अधिकार दिया है। पर अधिकार से पूरा जीवन सेटिंग नहीं होता, उसके पीछे दूसरा सूत्र है, कर्तव्य। कौन सा दूसरा सूत्र है? कर्तव्य। अधिकार तो संतों ने दे दिया कि आप संभालो इस धरोहर को, तो मैं ये कहना चाहता हूं 85, 22, 9, 12 जितने भी समाज के गांव है उससे मेरा व्यासपीठ से एक ही अनुरोध है, एक ही एक भाव है, एक उद्गार है कि समाज की नींव है शिक्षा, समाज की नींव है शिक्षा, तो उसके लिए सब मिलकर खरगोन जिले में समाज के लिए एक इंटरनेशनल स्कूल खुल जाए महाराज, वहां से समाज का विकास होगा। तो उसके लिए ना कांग्रेस ना बीजेपी, अपने को क्या करना है? न कांग्रेस में बंटना है न बीजेपी में बंटना है। यदि संतों की जो धरोहर है उसको संभालना है तो हमारे विकास पर ध्यान देना है। तो महाराज मेरा यही संदेश है पूरे मानव समाज को, इस समाज को मेरा एक ही है कि समाज विकास की ओर ध्यान दे, बटे नहीं। संगो शक्ति कलियुगे, आपका संग रहेगा, आपका संगठन रहेगा तो महाराज शिवराज के पास में आपको नहीं जाना पड़ेगा, शिवराज को आपके पास आना पड़ेगा। अब समय यह नहीं है कि आप किसी के पीछे चलो, अब समय यह है कि लोग हमारे पीछे चले, तब आपने संतों का मस्तिष्क ऊपर किया महाराज, ये काम करना।
तो समाज की जो विकास की जो धारा है उस धारा के लिए आपको कर्तव्य का ध्यान रखना पड़ेगा। संगठित होकर समाज के विकास के लिए समय दो, यह हमारा कर्तव्य है। संतों ने अधिकार दिया और हमारा कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है कि हम कर्तव्य को निर्वाह करें ताकि संत एक कदम बढ़ाए अधिकार के रूप में, हम भी एक कदम बढ़ाए कर्तव्य के रूप में। जब जाकर मिलन होगा तब स्वर्णिम समाज का विकास होगा। तो समाज को मेरा यही संदेश है कि हम हमारे मूल में विकास को ध्यान रखें, किसका विकास किस तरह से हो। जय श्री कृष्ण। यही मेरी सेवालाल महाराज की जयंती का संदेश है, जहां तक हो जन जन में ये संदेश पहुंचे, यही मेरी संत सेवालाल महाराज की यही मेरी उनके चरणों में प्रार्थना है और मेरे भाव है। संत सेवालाल महाराज की जय श्री कृष्ण। ये कहाँ गए संगीत वाले? जय श्री कृष्ण। तो समय ज्यादा हो गया है, क्योंकि ज्यादा समय तकलीफ होती ना। जय श्री कृष्ण। एक भजन ले लेंगे सेवालाल महाराज का और फिर आरती कर लेंगे। जय श्री कृष्ण। जयंती मनाना इतना महत्व का ये नहीं रहता मना ली और निकाल ली रैली, वो तो आपका अधिकार के इसमें है, प्रचार होना चाहिए, पर मूल में हमारे कर्तव्य को ध्यान दे महाराज तो हम समझ पाएंगे। जय श्री कृष्ण। तू भोलो भाड़ो रे ओ सेवा भाया, और मैं एक बात कहता हूं कि संत जिस समाज में होते हैं वो समाज को आज नहीं तो कल उस दिशा की ओर ले जाएंगे, क्योंकि संत का जो गुण होता है, संत की जो आत्मा होती है वो समाज का पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसका कल्याण नहीं हो, सही विकास न हो तब तक। आप ये भूल में मत रहना कि 282 वर्ष हो गए, नहीं वो पीछा नहीं छोड़ने वाले। जय श्री कृष्ण। एक भजन करके उनकी जयंती मना लेंगे। सभी जोरदार तालियों से जयंती में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। संत सेवालाल महाराज की, संत सेवालाल महाराज की, संत सेवालाल महाराज की। जय श्री कृष्ण। तू बोलो बाड़ो रे इजके मन राड़ो रे, इतिहास हमारो तू, तू जीव हमारो रे, सेवा भाया करण तारी माया, तू जीव हमारो तर रज हम लाया। सभी ताली लगाकर हमारी उपस्थिति भाव संत सेवालाल महाराज के चरणों में अर्पित करें। Oh,
गुरु की एक बात च सोवा तेरी एक बात च कदी झुकी कोने की अस गुरु री जात च ओ सारी गुरु की एक बात च सोवा तेरी एक बात च कदी झुकी कोने की अस गुरु री जात च राज गुरु लाणु के बात च सेवा भाया रो अपने हाथ च माते सेवा भाया रो हाथ च ई काम हमारो च गुरु राज लाणु च ई काम हमारो च गुरु राज लाणु च सारी तांडे तांडे अब एक बनानु च सेवा पाया करे निदारी माया जीव हमारो कर राज हमला ओ सेवा पाया करे निदारी माया जीव हमारो कर राज हमला के लिए सभी भक्त खड़े हो जाएंगे। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है पारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पारती
भगत भगवान की है आरती, भक्तों को पाती है भारती। हरि ओम अंजनी नंदनाधि महे पाय पुत्राधि
हनुमत प्रचोदयात श्रीवंति दाग कुल चंपट पाप लाते सुन्नाग जाति कर वीर शाल पुष्पे बिल्ल प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिदा नाना सुगंध पुष्पाणी थाकाल भवानिचा पुष्पांजलि निर्मया दत्तो गृहार परमेश्वरा सुमन सुगंधित सुमन मन सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे वागे विहारी करो श्रीगार मंद पुष्पांजलि स्मरण प्राय प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बोलिए वागे बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सत्य सनातन धर्म की श्री बापू जी महाराज की संत सेवादास महाराज जी की जय जय श्री राधे राम सर्वे भव सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्रान पश्यंतु मा कुंचित वा भवेत् शांति शांति शरणं मम हे मंत्र सदा तू स्मरतो जा आरोचे तो आ संसार जन्म सफल तू करतो जा जन्म सफल तू करतो जा श्री कृष्ण शरणं मम हे मंत्र सदा तू स्मरतो जा आरोचे तो आ संसार जन्म सफल तू करतो जा जन्म सफल तू करतो जा पंजरा है मानवाचा विष्णुचा पाप होऊन जातो जय सेवालाल आज 15 फेब्रुवारी सेवालाल जयंती भव्य शोभायात्रा हक्काने गाजवतो अख्ख्या जगात नाचवतो म्हणूनच आम्ही जयंती गाजवतो एक पाय तळ्यात एक पाय मळ्यात पंजरा टायगर सणात केला तर हात पाय
Thank you.
तुम्हारा
खुशियाँ मनाते मनाते नहारा, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। के कहूँ तो कहे ये जमाना, मैं तो दीवाना दीवाना।